सर मेजरमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स में है। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड से ब्लड प्रेशर को कैसे मेजरमेंट करते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर ब्लड के मूवमेंट के समय आर्टरी के वाल पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में रहना जरूरी है, यह एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण ही ब्लड पूरे बॉडी में मूव करता है और इसी कारण से बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई होता है। इसी के कारण बॉडी से हर वेस्ट प्रोडक्ट को वहां से ले करके और किडनी से बाहर करता है। ब्लड प्रेशर से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी भी मेंटेन होता है। तो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल में रहना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक मैक्सिमम प्रेशर और एक मिनिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर 110 से 130 एमएम एचजी के बीच होना चाहिए और मिनिमम प्रेशर 70 से 90 एमएम एचजी के बीच होना चाहिए, जिसका कि एवरेज जो मैक्सिमम प्रेशर किसको बोलते हैं 120 एमएम एचजी और डायस्टोलिक का एवरेज होता है 80 एमएम एचजी। यह जो ब्लड प्रेशर है, यह ब्लड प्रेशर हम लोग तो स्फाइगोमैनोमीटर से भी मेजरमेंट करते हैं, वॉच मेथड से भी करते हैं और आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड से बताने जा रहे हैं इस ब्लड प्रेशर के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करना है, हमको दो तरह का रिक्वायरमेंट लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये हो गया कफ एंड कफ का ये हो गया रबर ट्यूब और यहाँ पर हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक्स, यही मेन मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। इस मशीन में देखिएगा तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाला बटन है, यहाँ पे मॉनिटरिंग करने वाला है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसको और ये पूरा स्क्रीन है, इस पर आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा बताते हैं अभी आपको हम। यहाँ पे आपका जो चार्ज करने वाले यहाँ पे आप कनेक्टर इस पर डाल सकते हो आप, इसमें पीछे बैटरी लगाने वाले साधन हैं और मेन जो हम लोग देखें कि यहाँ पे सॉकेट बना हुआ है, इसी सॉकेट में हम लोग इस ट्यूब का कनेक्टर को इसमें हम अटैच करेंगे। देखिएगा तो पार्ट तो देख लिए क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कप है, कप को हम एक बार हम लोग क्या करते हैं ना कि इस तरह से हम लोग इसके अंदर सेट कर लिए, इसको हम लोग चाहते हैं तो इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं यहाँ से ऐसे, है ना, इसको निकाल सकते हैं लेकिन कोई जरूरत फायदा नहीं है इसको, आप यहाँ से इसको चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं इसको लोग, अब देखिए पेशेंट ये है मेरा, कैसे इसको हम अटैच करेंगे, हाथ बताए थे आपको, जैसे इसको इसमें हम लोग क्या करते हैं हाथ के अंदर इसको अटैच करते हैं, अंदर इंसर्ट कर करके और अब हम लोग क्या करते हैं इसको, हम लोग इसको ऐसे पकड़ करके और ऐसे हम लोग यहाँ से इस तरह से अटैच कर देते हैं। यह मेरा हो गया, इसे हम लोग बांध दिए पूरा। अब क्या करते हैं कि जब अच्छा ये बांध दिया क्यों, अभी बताए थे छुरी के बारे में, इस ट्यूब को जो कप से निकला हुआ है रबर वाला ट्यूब, इस ट्यूब को अब हम इस मशीन में, यहाँ पर बताए थे ना सॉकेट है इसका, इसी सॉकेट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पुश करके थोड़ा प्रेशर से पुश कर दिए, यह प्रेशर से पुश कर दिए, अभी मेरा चला गया कनेक्ट हो गया, यानी इस कप है, कप का ट्यूब है, ये कनेक्टर था, सॉकेट में डाल दिए मशीन में। अब हम लोग क्या करते हैं मशीन को यहाँ रख देते हैं आराम से और अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्टर लिखा हुआ है, बटन दबा करके स्टार्ट कर दिए। जैसे आप बटन दबाए ना यहाँ पर एक आवाज आया था टोंक जैसा आवाज किया और यहाँ पे एक वाइब्रेशन आने लगा मशीन में। ये क्या किया मशीन कि यहाँ से एयर बना करके, एयर का प्रेशर बना करके ये ट्यूब के सहारे और इस कप में आता है। कप में क्या करता है कि यहाँ पे कप में एयर का प्रेशर प्रेस्ट करके और यहाँ से आर्टरी के ब्लड के फ्लो को यहाँ पहले क्या करता है रोक देता है, कम कर देता है। कम करने के बाद अब क्या करता है कि धीरे धीरे फिर यह जो कप में जो हवा जो प्रेशर जो डाला था, ये प्रेशर पूरा आने के बाद अब ये क्या करता है मशीन इसको डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये मशीन डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है कि आर्टरी में कितना ब्लड का प्रेशर है। हम तो पहले तो ब्लड को बंद कर दिया, अब ये डिटेक्ट करेगा कि कितना हम यहाँ से फ्लो माने प्रेशर को कम करेंगे कि ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात तो ध्यान दीजिए बिल्कुल से, यानी यहाँ पे या फिर एक बार तो प्रेशर से ब्लड को बंद कर दिया, बंद करने के बाद फिर धीरे धीरे क्या करेगा ना कि अब प्रेशर को कम करेगा ये।
और देखिएगा क्या कि कहां से कितना कम करने के बाद ब्लड यहां से फ्लोना स्टार्ट हो गया, और जहां से फ्लोना स्टार्ट होगा उसको सिस्टोलिक कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं प्रेशर, और जहां पे अभी समाप्त हो जाएगा प्रेशर उसको कहेंगे हम लोग डायस्टोलिक बोलेंगे। तो दो तरह का प्रेशर होता है, सिस्टोलिक है डायस्टोलिक। तो जैसे इसमें जब मेजरमेंट जब पूरा ले लेगा ये, जैसे अभी तो ये रीडिंग कर रहा है, कलेक्ट ये मशीन जो है उस चीज को क्या कर रहा है ना, कलेक्ट कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है कि कितना प्रेशर अभी है। जैसे ही प्रेशर ले लेगा ना जब, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कफ थोड़ा ढीला हो जाएगी, और यहाँ पर एक छोटा सा जैसे आवाज किया था जिस समय देने समय ना, उसी तरह का एकदम मिनिमम एक साउंड यहाँ पे आपको टू टू क्लिक क्लिक करके आवाज के देगा आपको, कि इसका मतलब कि आपका ये डिटेक्ट कर चुका है। अभी भी क्या कर रहा है ना कि डिटेक्ट कर रहा है, ये क्या डिटेक्ट कर रहा है कि प्रेशर कितना है। तो अब क्या होगा, जैसे प्रेशर इसका डिटेक्ट कर लेगा ये, तो उस समय क्या करेगा कि जो मशीन है यह आपको क्या करेगा, डिटेक्ट कर करके बता देगा उसमें। अब मशीन में बताएगा कि आपको, अभी बताते हैं, अभी आपको देखिए जब पूरा डिटेक्ट कर लेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ऊपर में आपको देगा सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब बताते हैं ना मैक्सिमम प्रेशर। और देखिए अब रीडिंग जैसे हो चुका है, ये इसका रीडिंग आ चुका है, एक आवाज दिया था अभी, ये आज आवाज देकर बता दिया कि इसमें कितना रीडिंग है। देखिए तो जब आप देख रहे हैं इसे मशीन में, तो ऊपर में जो देख रहे हैं, देखिए अभी गौर से यहाँ पे ऊपर में एस वाई एस लिखा हुआ है, इसका मतलब सिस्टोलिक हुआ। सिस्टोलिक का मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम प्रेशर को सिस्टोलिक बोला गया, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर हुआ, उसके नीचे डायस्टोलिक हुआ, और उसके नीचे पल्स रेट हुआ या हार्ट रेट बोलते हैं। देखिए तो सिस्टोलिक जो है तो बड़ा मोटा लेटर में लिखा हुआ है, सिस्टोलिक कितना हो गया इसका बताइए, 101 यानी 101 हुआ। ऐसे देखिए 101 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको इवेंट नंबर में लिखना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, तो 101 तो लिखेंगे नहीं पैड पे, हम लोग 102 लिखेंगे अच्छा रहेगा, या 100 लिख सकते हो आप इसमें। अच्छा ये हो गया मेरा कौन सा, सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर। अच्छा उसके नीचे देखना DIA डायस्टोलिक मतलब मिनिमम प्रेशर, ये कितना हो गया आपका 68, यानी कि 68। देखिए तो सिस्टोलिक हुआ 101 और डायस्टोलिक हो गया 68, तो 101 को आप 102 लिख सकते हो क्योंकि इवन नंबर में लिखे ज़्यादा अच्छा होता है। और 102 हो गया क्या आपका, 68 हो गया डायस्टोलिक, यानी सिस्टोलिक 101 और डायस्टोलिक हो गया 68। अब उसके नीचे क्या हो गया आपका, पल्स रेट, तो पल्स रेट कितना हो गया आपका 81। देखिए तो पल्स रेट क्या हो गया, हार्ट रेट को बोलते हैं, तो पल्स रेट हो गया आपका हार्ट 81, यानी तीनों मसल में आ गया आपको। तो सिस्टोलिक हुआ आपका कितना 101, डायस्टोलिक हो गया 68, अब पल्सेट हो गया आपका 81। यानी इसी ढंग से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। यही आपका है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का, अब कुछ करना नहीं है, फिर जब पता चल गया तो फिर हम लोग यहाँ से कप को खोल देते हैं, कप को खोल करके फिर हटा देंगे, बस और कुछ करना है नहीं। यही आपका है भैया इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड। और जब आपको फिर रीडिंग देखना हो इसको बार बार, तो यहाँ से जब लिखा हुआ है मॉनिटरिंग, इसको आप बार बार चेक करके, इसमें टाइम भी मिलेगा आपको, सब देख सकते हैं। तो ये था आपका मॉनिटरिंग करने का इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड से बीपी जांच करने का, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।